नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में दुबई जाने वाले विमान से टकराया पक्षी, एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 91.50 रुपए हुआ सस्ता। लखनऊ में 100 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाला मामला, 18 लोगों के खिलाफ हजरतगंज थाने में FIR दर्ज। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा की जांच CID करेगी। IMD की रिपोर्ट, अप्रैल में दिल्ली समेत बाकी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव की संभावना कम। बिहार में हिंसा की वजह से गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम का दौरा रद्द। हैदराबाद में फार्मा कंपनियों के डायरेक्टरों के घर और दफ्तरों पर ईडी की रेड। बिहार में रोहतास के लहेरी थाना क्षेत्र में 2 गुटों में झड़प, धारा 144 लागू। जमशेदपुर के हल्दी पोखर इलाके में रामनवमी विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव, 5 लोग हुए घायल। बिहार हिंसा पर बोले नीतीश, गड़बड़ करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्यवाही। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2994 मामले आए सामने। बिहार के पटना में डेड बॉडी मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, नाराज लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। प्रयागराज में चौक एरिया घंटा घर के पीछे संजय मार्केट में लगी आग, कई दुकानें आई चपेट में। गुजरात टाइटंस को लगा झटका, घुटने की चोट के कारण IPL से बाहर हुए केन विलियमसन। उद्योग गुट के नेता और सांसद संजय राउत को मिली जान से मारने की धमकी। इंदौर में कार चालक ने कई लोगों को टक्कर मारी, 2 की हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।